हम हैदराबाद के स्टेशन पे आ गए, ठीक है। बहुत अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो और कोई वो बोर्ड भी नहीं जो मैं दिखा सकूँ कि ये हैदराबाद है। आप देख सकते हैं लाइटिंग भी बहुत कम है यहाँ पे। चाय वाला स्टॉल है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं चाय पीऊँगा नहीं अभी इस वक्त क्योंकि सोने का टाइम है। अब अगला रोहड़ी स्टेशन आएगा। शोर देखें बहुत है, शायद मेरी आवाज़ कम और पब्लिक की ज़्यादा जा रही होगी, तो फिर अब नेक्स्ट वाली मैं ऐड करूँगा रोहड़ी वाले पे, अगर जागता रहा फिर कंपाइल करके एक फाइनल बना दूँगा, ठीक है। सुबह का सुहाना मंजर, हम आई थिंक रोहिंग्या और गांधी साथ का बात के पास से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा पंजाब। स्पेशलिटी पंजाब की ये कि बहुत रिच ग्रीन है, सन के अंदर तो इतनी हरियाली नहीं होती। यही जो हरियाली है ये विजिटर्स को या जितने भी लोग हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो वीडियोग्राफी हो रही है, तो अभी मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी जाके आपको दिखाता हूँ। सूरज तुलू हो चुका हुआ है, काफ़ी पीक पर पहुँच चुका है, तो यहाँ पे भी अच्छा सीन है काफ़ी माशाल्लाह से। साइड का हमारे रोड है, आई थिंक यही मेरा कहानी है क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे और लोकेशन में ट्रेस नहीं हो पा रही कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो रात को रोहड़ी स्टेशन गुजर गया, सोते रह गए, तो अभी इंशाल्लाह मुल्तान स्टेशन आएगा, उसके भी थोड़ी सी पिक्चराइजेशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अपन बिजनेस सेक्शन से जो है ना इकोनॉमी सेक्शन की तरफ जाते हैं, वो भी दिखाते हैं वहाँ पे मंजर कैसा होता है। ये कोट सांबा का स्टेशन आया अभी अभी। कोट सांबा ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है और इसके इर्द गिर्द सारे वही खेत हैं। थोड़ा सा पहले मैंने देखा था खेतों में ट्रैक्टर चल रहा था और छोटे छोटे से गांव हैं जो लेफ्ट और राइट साइड पे छोटी छोटी सी एक सड़क निकलती है। ये देखिए ये लोग कुछ खेतों में अभी भी खड़े हुए गधा गाड़ी पर और काम वाम तो मेरे ख्याल से भी करके जा चुके होंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं खेतों में सूरज निकलने से पहले पहले। अब जैसे सूरज निकल आता तो लोग चले जाते हैं। मुंजी लगी हुई है, ये मुझे याद आया, ये मुंजी इसको कहते हैं चावल की, वो काम कर रही है इसके अंदर आंटी। एक चावल की फसल जो होती है उसको मुंजी कहते हैं, पानी के अंदर लगाई जाती है वो लगी होती है। और दूसरी फसल कौन सी है मुझे इतना आइडिया है नहीं, कोई साथ होता तो वो मुझे बता देता, लेकिन फ़िलहाल वो मुंजी की मुझे नज़र आई थी, मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे हम मुल्तान पहुंचेंगे शायद अभी 3 या 2 घंटे और लग जाएंगे, फिर वहाँ पे भी फिर आपको थोड़ा सा दिखाएंगे मुल्तान का स्टेशन कैसा होता है। ये खानपुर का स्टेशन आया, लग रहा है कि जैसे ट्रेन यहाँ रुकेगी लेकिन नहीं रुकेगी, ठीक है। अभी बहुत दूर है, हम तकरीबन 2-2.5 घंटे मज़ीद हमें और लगेंगे मुल्तान जाते जाते। बहुत सन्नाटा है इस स्टेशन पे, तभी ट्रेन नहीं यहाँ पे रुकती। अभी ये एक का झेठा भुट्टा स्टेशन से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था वो कैप्चर नहीं हो सका। मेरे ख्याल से शायद ये राइट हैंड पे बना हुआ और मैं लेफ्ट साइड पे बैठा हूँ, नहीं आ गया, ये रहा झेठा भुट्टा स्टेशन, नहीं था शायद कोई हाल्ट था।
चल रहा है, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा है, हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसा सीन देख के, बंदा रिफ्रेश हो जाता है। उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बंदा इस हरियाली में वॉक करे और घूमे फिरे। लेकिन हम लोग तो ट्रेन से सिर्फ उसको देख सकते हैं और देख के भी इंजॉय हो जाता है। लियाकतपुर का स्टेशन है ये, छोटा सा ही है ये भी, यहाँ पे भी ट्रेन नहीं रुकी क्योंकि हमारा स्टेशन अब नेक्स्ट मुल्तान ही है। बहावलपुर स्टेशन था दोस्तों, मिस हो गया मुझसे। ये मुल्तान का स्टेशन है, मुल्तान कंटोनमेंट है ये। पता नहीं इसमें और दूसरे मुल्तान के स्टेशन में कोई डिफरेंस होगा। अच्छा सा नीट एंड क्लीन है काफ़ी माशाल्लाह, कराची वाले के मुकाबले में।